आखिर लंबे इंतजार तथा लंबी प्रक्रिया के बाद बुधवार को राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में दूसरी सोनोग्राफी मशीन स्थापित हो गई। दूसरी सोनोग्राफी मशीन के स्थापित होने के बाद अब चिकित्सालय में नियमित रोगियों के साथ साथ प्रसूताओं को लंबे समय के इंतजार से राहत मिलेगी। बुधवार को MCH विंग में आयोजित एक सादे कार्यक्रम के दौरान राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय PMO डॉक्टर SS चौहान ने मशीन का बटन दबाकर उसका उद्घाटन किया। PMO डॉक्टर चौहान ने बताया कि अस्पताल में लंबे समय से एक और सोनोग्राफी मशीन की आवश्यकता को देखते हुए RMCL द्वारा एक सोनोग्राफी मशीन मिली थी, लेकिन इंस्टॉलेशन सहित स्थापित करने की प्रक्रिया के लंबा होने के कारण उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा था। आखिर में मशीन के तकनीकी कर्मचारियों द्वारा मशीन का इंस्टॉलेशन करने संबंधी कार्य पूर्ण होने के बाद बुधवार को इसे स्थापित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि MCH विंग में मशीन को स्थापित किए जाने के बाद अब सामान्य रोगियों के साथ साथ प्रसूताओं को अब सोनोग्राफी के लिए लंबे समय की समस्या से राहत मिलेगी। सोनोग्राफी मशीन की स्थापना के दौरान MCH विंग पर प्रभारी डॉक्टर MS चांदावत, अधीक्षक रेडियोग्राफर श्याम सिंह चौहान, नर्सिंग अधीक्षक MCH विंग हनुमान नामा, रेडियोग्राफर दीपक कुमार तथा सहायक प्रशासनिक अधिकारी अनुशील व्यास आदि उपस्थित थे। मालूम हो कि पूर्व में एकेश में केवल एक ही सोनोग्राफी मशीन होने के कारण सोनोग्राफी करवाने वालों को लंबा इंतजार करना पड़ता था। यहां तक कि प्रसूताओं को भी 20-25 दिन की तारीख दी जाती थी, जिसके कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। AKH में शहर सहित अस्पताल के 4 जिलों के समीपवर्ती ग्रामों के रोगियों के दबाव के कारण एक सोनोग्राफी मशीन नाकाफी साबित हो रही थी, जिसको लेकर अस्पताल प्रशासन ने उच्च अधिकारियों से एक और सोनोग्राफी मशीन की डिमांड की थी। डिमांड के बाद विगत दिनों अस्पताल प्रशासन को एक सोनोग्राफी मशीन मिल गई थी, लेकिन इंस्टॉलेशन सहित अन्य तकनीकी कार्यों की वजह से यह स्थापित नहीं हो पाई थी। हमारे पास में RMCL से आई हुई मशीन सोनोग्राफी की, उसको MCH विंग में भी स्थापित किया। इसकी प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन मूल रूप में आज ये शुरू हो पाई है। आज का दिन बहुत ही अच्छा और उपलब्धि वाला दिन है, जिससे लोगों को और भी ज़्यादा राहत मिलेगी और फायदा होगा। अब लोगों की लंबी कतारों में थोड़ी कमी आने की संभावनाएं है। सारी प्रसूताओं को एक ही जगह पर लाभ मिल जाएगा और अन्य जगह पर भटकना नहीं पड़ेगा, उनको ज़्यादा लंबे समय तक इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा।